भारत में असंगठित कामगारों की संख्या 94% है, जबकि संगठित कामगारों की संख्या केवल 6% ही है। कामगार असंगठित रहने से मालक या पूंजीवादी लोग उनका बड़े पैमाने पर शोषण करते हैं। भारत के संविधान ने संगठित होने का अधिकार कलम 19 के तहत मूलभूत अधिकार कराया है। होटल ट्रॉय स्टोर के 27 मजदूरों को काम से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे संगठन का निर्माण कर रहे थे। इसी के निषेध में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से होटल ट्रॉय स्टोर के मजदूरों की ओर से 15 जून को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरने आंदोलन किया गया। इस दौरान मजदूरों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर आंदोलन को सफल बनाया। मी सुभाष खोब्रागडे, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ हॉटेल विंग याचा प्रादेशिक अध्यक्ष आहोत आणि मी आमच्या हॉटेल ट्रायस्टारमध्ये जे 27 लोकांना माझ्या गैरहजेरीत काढलं त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये आमचं आंदोलन चालू आहे। माझी मागणी एवढीच आहे की आम्हाला बिनशर्त हॉटेलमध्ये घेण्यात यावं आणि कोणत्याच डॉक्युमेंटवर सही वगैरे करायला लावू नये आणि आम्हाला आमचे जे गव्हर्नमेंट रूलनुसार वेजेस आहेत ते देण्याचे करावे आणि तासाचे जे जास्तचे तास ते घेतात ते कमी करण्यात यावं। हीच आमची मागणी आहे सर्व ऑफिसर्स लोकांना। आम्ही दिलेले आहेत कलेक्टरला, लेबर ऑफिसरला निवेदन, सगळीकडे आमचे निवेदनं पोहोचलेले आहेत, पण अद्याप आमचं आज 15 दिवस होत आहेत, आमच्या काहीच मागण्या नाही झाल्या। त्यामुळे आम्ही हे आता धरणे आंदोलन करत आहोत। याच्या पुढे आमचे पुन्हा आंदोलनाचे वेगवेगळे रूप चालू होतील। आंदोलन दौरान राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष सुभाष खोब्रागडे ने बिना किसी शर्त के मजदूरों को होटल में काम पर लिया जाए, साथ ही उन्हें सरकारी नियम अनुसार वेतन दिया जाए, वो काम का समय कम किया जाए, ऐसी मांग की।